अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और मीडिया के बीच विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। अब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने अपने पत्रकार जिम अकोस्टा पर पाबंदी लगाने के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ केस दायर किया है। ये केस वॉशिंगटन स्थित US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल किया गया है। CNN ने ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ केस दाखिल कर अपने चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता जिम अकोस्टा पर लगी पाबंदी को फौरन हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद पत्रकार अकोस्टा का प्रेस पास निलंबित कर दिया गया था। मंगलवार को CNN ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर केस में आरोप लगाया कि व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद रिपोर्टर जिम अकोस्टा के प्रेस पास निलंबित करके संविधान के तहत पत्रकार को मिले अधिकारों का हनन किया है। CNN ने केस की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा कि इन दस्तावेजों को गलत तरीके से रद्द करना प्रेस की स्वतंत्रता के CNN और अकोस्टा के प्रथम संशोधन अधिकार और नियत प्रक्रिया के पांचवें संशोधन अधिकार का उल्लंघन है। CNN ने बयान में कहा कि हमने अदालत से व्हाइट हाउस के इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने और जिम अकोस्टा का प्रेस पास लौटाने की अपील की है। वहीं व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट एसोसिएशन ने CNN के केस का स्वागत किया है और कहा है कि व्हाइट हाउस परिसर तक पहुंच को रोकना घटनाओं पर अनुचित प्रतिक्रिया के बराबर है। एसोसिएशन ने कहा कि हम ट्रंप प्रशासन से फैसला पलटने और CNN के संवाददाता की पूर्ण बहाली की लगातार अपील करते हैं।